जय हिंद, वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम एक बार फिर से आर्मी अग्निवीर का जो आपका आज एग्ज़ाम हुआ है 18 अप्रैल 2023 को, उसमें टोटल 3 शिफ्टें आपकी कंडक्ट करवाई गई थी आर्मी के द्वारा, और उसमें मैं अभी आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे उनका एक कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2023 आपका पहली बार ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो ये आपका मई के फर्स्ट आपका सॉरी आपका अप्रैल जो है वो आपका 26 तक ही आपके सारे के सारे आपके चलेंगे। और आज हम मैथ और रीजनिंग के जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे उनका एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो सही होने चाहिए ताकि आपकी जो है वो मेरिट में आपका नाम बन सके, कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही रहने चाहिए, किस लेवल का आपका एग्ज़ाम आया था। तो पिछले कल की भी जो हमारा एग्ज़ाम रहा था उसका भी मैंने आपको एक एनालिसिस कल आपको प्रोवाइड करवाया था। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ मैथ और रीजनिंग का जानेंगे, और शायद आपको थोड़ी देर में जो है वो जीके का और साइंस का भी एनालिसिस जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर बात करते हैं 65 क्वेश्चन से 64 क्वेश्चन हमारे जीके के रहे थे वो जो है वो हमने टाइप किए हैं, तो उनका भी आपको थोड़ी ही देर में एनालिसिस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा लाइट का इशू है और इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी क्लास हमारी जो है वो डिले हो रही है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम डायरेक्ट फोकस करते हैं, किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा फास्टली हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, 7 विद्यार्थियों का औसत अंक आपको बोला गया था कि कितना है, 78 है, 8वें विद्यार्थी का कितना है, 86 है। तो जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर बताएं। वैसे तो लिखा है आंसर मैंने यहाँ पर साथ साथ में आपको, लेकिन आप अपनी तरफ से इसको चेक करें कि आपने ये क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है। थोड़ा सा ध्यान दे के आप जाएं, औसत के क्वेश्चन आपके पिछले कल भी हमने लगभग तीनों ही शिफ्टों में लगभग 5 क्वेश्चन हमने देखे थे, तो आज भी औसत के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। औसत आप पढ़ के जाएं, एवरेज का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 78 है, तो आपको ये पता चल गया 7 का कितना दिया गया, 78 दिया गया, तो आप इसका सम निकाल लें। सम कैसे निकालते हैं, 78 को 7 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 546 आ जाएगा। अब 8वें बच्चे का कितना दिया गया, वो आपके पास दिया गया 86, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे पास 8, और टोटल इनका जो अंक है दोनों को आप ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, 632 बन जाएगा। अब 632 टोटल अंक आ गए, कुल बच्चे कितने, 8, 8 में बराबर बंटेगा तो कितना आएगा, 79। औसत का चैप्टर आप पढ़ के जाएं, मैथ में औसत का चैप्टर आपका बार बार पूछा जा रहा है। उसके बाद वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक लिस्ट आप बना सकते हैं किस तरीके का आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। आज का जो सेशन था आपका बिल्कुल इजी वे में आपसे सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ पर वृत्त का व्यास आपको दिया गया था 7 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल आपसे पूछा था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, तो आपको पता है 22/7 वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया था क्वेश्चन, व्यास दिया था, तो आपको पता होना चाहिए आर क्या होता है, व्यास का आधा, यानी कि 7/2 हो जाएगा। आर स्क्वायर किया तो 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कटा, कितना आ गया, 11 आ गया। आपके पास कितना बचा, 77/2, 77 का आधा कितना होता है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर रहेगा। तो एरिया के चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, ऐसा ही रट के जाएं। सीआई का अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, और सीआई आपको इतना आएगा भी नहीं, अगर आता तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा। एसआई का चैप्टर आपके हर शिफ्ट में जो है वो क्वेश्चन आपका देखा गया है। 40,000 रुपये की धनराशि, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो गया, आपसे बोला था। तो सिंपल एसआई का फॉर्मूला आपको लगाना है, ये बन गया आपका 40,000, प्रिंसिपल रेट आ गया 12%, टाइम दिया था 3 साल, डिवाइड करेंगे 100 से। एसआई का फॉर्मूला 20 से 20 कट गई, आपके पास क्या बचा, 3 को 4 से करेंगे कितना आएगा, 120 सॉरी 1200, और 1200 को 12 से करेंगे तो 144 और 00, ठीक है जी, 14,400 क्या रहेगा उसका साधारण ब्याज रहेगा। तो एसआई से अभी तक हमने क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद बात करेंगे सिंपलीफिकेशन के, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आपके सिंपलीफिकेशन के पूछे जा रहे हैं, टोटल 15 में से
आज का सेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इजी रहा था। अगर मैं 17 अप्रैल की बात करूँ, 17/4/2023 को जो आपका पहला अग्निवीर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसके कंपैरिजन में आपका आज का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा रहा था। टाइमिंग सबसे जो है वो कवर हो गई थी बच्चों के द्वारा, तो उनका भी आज कोई इशू नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका 48% निकालना हमें, तो 300 का 48 क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और परसेंटेज को हटा के नीचे 100, 48 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आंसर आएगा, 144। बिल्कुल इजी वे में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न था, यहाँ पर बोला था एक्स जो है वो ग्रेटर देन है बाय, एक्स बाय की वैल्यू 8 है, बाय एक्स माइनस बाय कितना, 2। यानी कि एक्स और बाय कोई दो वैल्यू जिनको गुणा करके 8 आता है, और उन दोनों को माइनस करके कितना आता है, 2 आता है। तो ये दिमाग वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपके पास जो है वो ऐसा नहीं बोला गया था कि ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है। कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 8 आता है, तो आपको पता होना चाहिए 4 और 2 को ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 8 आता है। एक और वैल्यू आती है 8 को 8 को 1 से गुणा करें तब भी कितना आता है, 8 आता है। सिर्फ यही दो वैल्यू हैं। अब उन दोनों का डिफरेंस कितना बोला था, वो बोला था 2, तो 4 में से 2 चले गए तो 2 बन गया, 8 में से 1 जब जाता तो 7 है, तो 2 नहीं आता। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो राइट आंसर क्या था, 4 था। एक्स का मान पूछा था, बड़ी वैल्यू वो जो थी आपके पास है 4। तो इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे कुछ ज़्यादा आगे चले गए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, L1 L2 आपके पास दिया था, रेशियो में आपके पास क्वेश्चन था। रेशियो से एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था आज भी, जेड रूल से रिलेटेड पिछले कल आपका पूछा गया था। L1 और L2 दी गई है, AB भी आप इसको ले सकते हैं, ये दिया 16 और ये दिया 450 है। रेशियो क्या होती है, जो सब कुछ काट के आए, तो 2 से कटेगा 8 बार और 2 से 450 कटेगा तो कितना आएगा, 225। ये हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल से इजी वे में क्वेश्चन हमारे ये पूछे गए थे। अगला प्रश्न क्या था, एक्स का मान आपको निकालना था, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 2x एज इट इज है और 22 को आप कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 22, 2 से 22 कटा तो आंसर कितना आ गया, 11 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो है वो आज मैथ के इसमें पूछे गए थे। अब जो है वो हम इसमें मेरिट की भी बात करेंगे, कितनी आपकी मेरिट जो है वो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो अगर मैं इसकी बात करूँ सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की, क्योंकि पहले क्या था फिजिकल को भी काउंट करते थे, तो अब अगर मैं सिर्फ एग्ज़ाम की बात करूँ, टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता है, तो लगभग जो जिनके स्टूडेंट्स के अगर लगभग 78 के आसपास अगर मार्क्स आते हैं, 75 से अबव 75 से अगर बड़े ज़्यादा अगर मार्क्स आते हैं, तो लगभग उनका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ये आप यहाँ पर उम्मीद लगा सकते हैं, लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि 35 नंबर, 35 का डबल है आपका 77, तो ये 38 39 अगर क्वेश्चन किसी के ठीक हैं सही हैं तो वो अपनी उम्मीद जो है वो यहाँ पर लगा सकता है। क्योंकि अभी जहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम हुए, बच्चों का यही एनालिसिस था कि मैंने सर 45 किए हैं, मेरे सिर्फ 2 गलत हैं, मेरे 49 ठीक हैं, तो बच्चों के द्वारा एनालिसिस ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन था 243 डिवाइड बाय एक्स और इक्वल टू था 3, एक्स इस तरफ जाएगा 3 इस तरफ जाएगा, तो ये बनेगा 243 डिवाइड बाय 3, 3 से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 81। बिल्कुल इजी वे में पिछले कल के जो आपके एग्जाम थे उसमें आपके थोड़े से जो है वो लेंथी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आज के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका लेंथी नहीं था। अगला था एक परिवार में 4 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी, 25 है, ठीक है। बिल्कुल आपको इजी वे में क्वेश्चन दिया गया था, मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। 4 की जो है वो औसत कितनी बताई गई, 25, एक और आ जाता है, यानी कि अब व्यक्ति कितने हो गए, 5, और औसत आयु कितनी हो जाती है, 24 हो जाती है। दोनों का आपको क्या करना है, गैप करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को इस गैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और लास्ट वैल्यू को पहले के गैप से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब देखिए 2 वैल्यू आ गई, यहाँ पर हर बार हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन आपकी औसत आयु क्या हो रही है, कम हो रही है, औसत आयु कम हो रही है, इसका मतलब छोटी एज का वो व्यक्ति आया होगा, तो यहाँ पर प्लस की जगह हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 24 में से 4 चले जाएंगे तो बचेगा क्या, 20 बचेगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न था, तो ये आपका बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर जो है वो ये ऊपर है, इसके ऊपर वैल्यू है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर यहाँ पे रहा है, ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू है बाय स्क्वेयर और प्लस 4x³ - के बाय स्क्वेयर प्लस के x³ + बाय के
स्क्वायर। कमेंट करते चले आप कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। पिछले कल जो हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े थे उन्होंने बताया था कि 42 क्वेश्चन जो है वो हमारे सही हैं, एक ने 45 बताए थे और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जो था तो वो आज उन्होंने बताया था कि पालमपुर में जो है वो उनका एग्ज़ाम होने वाला है, किसी ने चंडीगढ़ बताया था। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास बायोस्केयर से जो है वो आपका बायोस्केयर कैंसल आउट हो जाएगा। ये तीन ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है और ये भी एक्स क्यूब है, तो 3 और 4 सात, 7 और 1 कितने 8 एक्स क्यूब बन गया और लास्ट में आपके पास बचा क्या सिर्फ बाय स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछे गए थे, ज़्यादा टफ आपका पेपर नहीं था। दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अनुपात 4 और 5 है। पिछले कल का सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके पास बोला गया था, तो ये 4 और 5 आपके पास रेशो है। मेरे अकॉर्डिंग सम करने पे कितना बन रहा है? 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम करने पे बना 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 20 और ये बनेगा 25। तो ये 20 और 25 जो थी वो इसका क्या था? संख्याएं थी। 20-25 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, 0.5 की आपको कोई वैल्यू बतानी थी, तो 0.5 एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई है 7+3 माइनस, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 कितने 8। अब यहाँ पर इस वैल्यू को ओपन करेंगे तो बनेगा 5/10 गुणा 7+3 -8, ये बना कितना? 35 बन गया, 7×5 35, तो ये बन गया 3.5, फिर +3 -8, 3 और 3 कितने हो गए हमारे? हो गए 6 और 6.5, 6.5, 8 में से 6.5 चले गए, तो -1.5 इसका राइट आंसर था। प्लस माइनस में थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर आपके हैं, तो आई होप आपके आज के एग्ज़ाम में जो है वो 45 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आरबी का पेपर जो 18/4/2023 को आया था वो सबसे ईजी पेपर था आपका, इससे पहले जो है वो कभी भी इस लेवल का आपका पेपर जो है वो पूछा नहीं गया है मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में। 300 रुपये का 8% की दर से 300 रुपये दिया गया था, 8% की दर दी गई थी, 3 साल के लिए आपको बोला गया था, ब्याज आपको निकालना था, सिंपल सा फॉर्मूला। आपके पास 8 थे 24 और 24 थे कितने 72, तो ये आप देख सकते हैं साधारण ब्याज आपसे पूछा गया, एवरेज के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, सिंप्लीफिकेशन के 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, और ये एलजेब्रा ये आपसे बार बार पूछा जा रहा है, ये नंबर सिस्टम के इसमें भी हमारे पास काउंट होता है। उसके बाद क्या बोला था, x प्लस बाय 5 है और x इंटू बाय कितना है? 3 है, मतलब कि दोनों को जमा करने पे कितना आता है? 5 आता है और गुणा करने पे कितना आता है? 3 आता है। तो कोई भी आप एक वैल्यू जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी हमारी वैल्यू रहेगी। x प्लस बाय जो है वो 5 है हमारे पास और x इंटू बाय कितना है? 3 है। तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्लस करने पे आता है, गुणा करने पे 3 आना चाहिए, तो 3 और 1 इस क्वेश्चन में कुछ हमारी मिस्टेक है क्योंकि गुणा करने पे 3 आएगा, तो 3 जो वो अपने पहाड़े में आता है, तो 3×1 आएगा। एक्स की वैल्यू मैं 3 ले सकता हूँ, बाई की वैल्यू 1, तो प्लस करने पे कितना आएगा? 4। इस क्वेश्चन में हमारी हल्की सी जो है वो मिस्टेक रहेगी, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसी लेवल का कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था। अगला था 88 मीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो 88 मीटर परिधि दी गई थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परिधि कितनी है आपके पास? है 88 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है 2πr। r की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं 88, उसके बाद 2 ऊपर से जाएगा नीचे, 22/7 का हो जाएगा 7/22, तो ये 2 से कट जाएगा कितना? 44, और ये कट जाएगा 2 से 2 बार, 7×2 किया तो 14। रेडियस की वैल्यू आ गई 14। अब आपको क्षेत्रफल पूछा था, तो क्षेत्रफल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 r² यानी कि 14×14, 7 से कट जाएगा ये 2 बार, आपके पास आंसर आएगा 616। तो थोड़ा सा फास्ट हैंड आप यहाँ पे रखें कैलकुलेशन में। 3 के पहले 5 गुणसों का औसत आपको बोला था, तो यानी कि 3×1=3, फिर 3×2=6, 3×3=9, फिर 12 और फिर 15। औसत क्या होता है? बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, जब भी गैप सेम होता है तो फर्स्ट वैल्यू कटगी, लास्ट वैल्यू कटगी, फर्स्ट वैल्यू कटगी, लास्ट वैल्यू कटगी, तो बीच में बचा क्या? 9। तो 9 क्या बन गया? इसका एवरेज बन गया। बिल्कुल फास्ट हैंड आपको रखना है। उसके बाद था 33 का स्क्वायर -31 का स्क्वायर,
तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई ही करते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है वो क्वेश्चन में बता देता हूँ किस तरीके का आपका क्वेश्चन था 33 का। जब आप 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 1089, और अगर आप 31 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है 961। 961 जब आपका चला जाएगा 1089 से तो आपका 128 जो है वो आंसर बचेगा। या फिर आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी ये फॉर्मूला है, और ए माइनस बी 33 माइनस 31, तो ये कितने बने 4 और 64, और ये बनी गए आपके पास 2, ये आपके पास आ गया 128। तो इस तरीके का आपका जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे हम बात करें महिला की आयु 20 वर्ष, पुरुष की आयु 50 वर्ष, दोनों की आयु का अनुपात आपको बताना है। तो ये आ गई फीमेल महिला आ गई, और ये आ गया मेल, इसकी एज है 20 और इसकी कितनी है 50, 0 से 0 कट गई। तो रेशो डायरेक्ट आंसर आपके पास दिया था 2:5। देखने की भी आपको क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं, हिट आपके आज जो है वो क्वेश्चन लग सकते हैं, 50 में से 50 भी हो सकता है आज किसी के बिल्कुल सही हो, जीके और साइंस में हो सकता है। अभी मैंने उसका लेवल तो अभी आपको नहीं बताया, लेकिन मैथ और रीजनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आपसे पूछी गई थी। वर्ग का क्षेत्रफल 196 था, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये तो मैंने इसका लिख दिया, वर्ग था यानी कि स्क्वेयर था, तो ये होता आपके पास साइड का स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर मैं लिख सकता हूँ, ये था 196, तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइड आ जाएगी 14। अब बोला था जो वर्ग की भुजा वही वृत्त की त्रिज्या, यानी कि रेडियस भी कितनी है, रेडियस आपके पास 14, तो आपको परिधि बतानी थी, तो 2πr इसका फॉर्मूला 2 × 22/7 × 14, 7 से कट जाएगा 2 बार, और ये आ गया कितना 88। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो एरिया से हमने अभी तक 3-4 क्वेश्चन किए, फिर से रेशो एवरेज SI ये बार बार आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। अभी तक परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं देखा हमने, प्रॉफिट लॉस का नहीं देखा, ट्रेन का भी कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं देखा, तो और साथ में वर्क एंड टाइम यही आपके मेजर चैप्टर हैं, यहाँ से बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5 और 3 है, तो आपको बताया गया दोनों की कुल आय, सॉरी आय का आपको अनुपात दिया गया था, और यहाँ पर ये आय इनकी बताई गई। देखिए तो टोटल आय कितनी है यहाँ पे, 5 और 3 कितनी है 8 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है यहाँ पर 150000, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास दी गई थी। इसको आप डिवाइड कर दें किसके साथ, 8 से डिवाइड कर दें, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18750, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको बतानी किसकी है, राम की, तो राम का अनुपात कितना है 5, तो इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दें 5 से कर दें, तो ये आंसर कितना आएगा 93750। इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि राम की पूछी, श्याम की पूछी होती तो 3 से गुणा करते, तो 93750 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न था त्रिभुज का, तो शायद इस क्वेश्चन में जो है वो कुछ मिस्टेक हो सकती है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। कोई आपके पास एक ट्राइंगल थी, आपको बोला गया था ये एंगल ए है, ये आपके पास बी है, और ये सी है, 3 कोण आते हैं, ए जो वो 65 है, और ए और बी जो वो बराबर हैं, अगर ए 65 है तो बी भी कितना होगा 65 होगा। अब सी बताना था, तो टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है, तो ये 65 65 कितने 130 तो बन गया। अब 180 तक पहुंचाने के लिए कितनी डिग्री और चाहिए, तो यानी कि सी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 50 डिग्री आपका बन जाएगा। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ट्राइंगल से कोई भी टफ क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया। 3 लड़कों की औसत आयु बताई थी 9.5, तो आप इसका क्या कर लें, 3 लड़कों की आप क्या कर सकते हैं सम निकाल सकते हैं, तो सम करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या जाएगा ये बन जाएगा 28.5। उसके बाद चौथे लड़के की और पांचवें लड़के की एज बताइए कितनी, इसकी 10 है, इसकी आपके पास 15, तीनों का सम कर दिया आपने, टोटल बच्चे कितने हो गए अब 5 हो गए, सम करने पे कितना आ गया 53.5। अब 5 बच्चों की एवरेज निकालनी है तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 53.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10.7, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो बिल्कुल इजी वे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आप देख सकते हैं किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया। ये मैंने क्वेश्चन आपको अभी करवा दिया, तो रिपीट हुआ क्वेश्चन आपका। उसके बाद
ये था आपके पास 500 गुणा एक्स बटा 100, ये थी आपके पास 75, एक्स की वैल्यू बतानी थी। तो एक्स क्या आप इसी तरफ रहने दीजिए, 100 है, नीचे से कहाँ चला जाएगा, इस तरफ भेज देंगे तो ऊपर जाएगा, और 500 ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से कट जाएगा, 15 पंजे 75, 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 8 और 12 के समतुल्य आपको बताने थे, यानी कि रेशियो बोली थी, 2 से काटने पे कितना आएगा 4, 2 से काटेंगे तो आएगा 6, फिर 2 से और फिर ये 2 से कटेगा 3, 2 और 3 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सो बिल्कुल बेसिक बेसिक आपसे आज जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये 2:3 जो है वो इसका राइट आंसर था। बिल्कुल रेशियो भी बिल्कुल आपका जो है वो हार्ड नहीं आया था। उसके बाद बोला गया था 1, 3, 7, 8 का औसत जो है वो आपको बताना है। तो देखिए औसत का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सबको आप क्या करते हैं ऐड करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर करते हैं। तो सबको ऐड किया और टोटल नंबर कितने हैं, ये टोटल हैं 1, 3, 7, 8, यानी कि 4 नंबर है। तो आप क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए, 7 और 3 10, 8 18 1 19, 19/4 आपके पास बनेगा। सॉरी आंसर यहाँ पे गलत लिखा गया है, 19/4 बनेगा। तो 19 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4.75 हो सकता है। हाँ सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि आपके वहाँ पर जो है वो ऑप्शन ही कुछ इस तरीके के दिए गए हैं, 4 दिया गया है, 9 दिया गया है, 12 दिया गया है और 0 दिया गया है। तो सिर्फ जो आपका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जिसके नियर अबाउट रहती है उसको हम हिट करते हैं, तो हो सकता है उस तरीके से यहाँ पर ये आंसर इसका टाइप किया गया हो। तो औसत से हमने अभी तक 4-5 क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन का था, डायरेक्ट हम इसको ओपन करेंगे, ये आएगा 2/10, उसके बाद आएगा 3/ कितना, ये 100 आ जाएगा, और उसके बाद है प्लस हमारे पास 0.01 डिवाइड बाय 0.5, इसको ओपन कर देंगे, ये बनेगा कितना हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पर लिखता हूँ, 0.5, ये बनेगा 1/100। तो इस वैल्यू को मैंने हटा के कितना लिख लिया, 1/100 लिख लिया, और ये बनेगा 5/10, ये हमारे पास ये बनेगा 5/10। तो 10 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ये आपका कितना बना, ये बन गया आपके पास 2 बार और ये बन गया आपके पास 50 बार। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, ऊपर आप इसको गुणा कर दीजिए, 2 को 3 से किया 6/1000, और प्लस ये आपका 2 से 5 से कटा 2, 2 से कटा 50, 1/50। बस आपको एलसीएम लेना है और आंसर आप इस क्वेश्चन का यहाँ पर निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी वे में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक एलसीएम एचसीएफ का भी हमने कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं देखा है। उसके बाद ये स्क्वायर का फिर से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है बिल्कुल बेसिक मेथड का यूज़ करते हैं, 57 × 57 करेंगे, क्योंकि हमें तसल्ली उसी मेथड से होती है। आप जितनी भी ट्रिक यहाँ पर सीख लें कि 57 को 57 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये जो हमारा बेसिक रूल है इसी से हमें क्या होती है, इसी से हमें तसल्ली जो है वो होती है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि हमें तसल्ली जो है वो किससे होती है, तो तसल्ली जो है वो इसी मेथड से होती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी मेथड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि तसल्ली हमें इसी मेथड से होती है। उसके बाद 43 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1849। वैसे तो ट्रिक भी हमारे पास रहती है इसमें, 43 जो वो 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 25 से 7 कम किए बना कितना, 18 बन गया, और उसके बाद हमारे पास 18 बनाइए, तो उसके बाद हमारे पास 7 कम था, 7 का स्क्वायर किया 49। तो इस तरीके से हम इसको काउंट जो है वो कर सकते हैं, 3249 में से हम जब 1849 को कम करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, 1400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बोला था कि एक्स रुपये पर 3 सालों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज जो है वो 8 रुपये है। अब आपके पास इस बार इंटरेस्ट दिया है 8 रुपये ब्याज है, लेकिन पैसे नहीं दिए कि कितने हैं, और 4% रेट है और 3 साल के लिए रखा गया पैसा। तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ये बन जाएगा इस तरफ 800 और नीचे आ जाएगा 4 × 3, ये कट जाएगा आपका कितनी बार, 200 बार, 200 बार 3 वर्षों के लिए एक्स का मान आपको निकालना है,
साधारण ब्याज जो है वो 8 रुपये है। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ठीक है। 200/3, शायद कोई आंसर में यहाँ पे कोई एरर है, 200/3 आपके पास आएगा, तो 200/3 जो है वो आपके पास कितना आता है, 66.66 आपके पास, ये जो है वो आपके पास वैल्यू बनेगी। इसके ऊपर जो है वो आपको 8 रुपये जो है वो टोटल ब्याज लगेगा। ये आपका 66.66 आपका आंसर रहेगा। अगला, त्रिभुज की भुजाएं दी थी 13, 14, 15, तो आपको क्षेत्रफल निकालना था, तो हीरोइंस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। पहले एस निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, ये आपको करना है। 13, 14, 15 डिवाइड बाय 2 आपको करना है यहाँ पर, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 42, और 42 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट एस एस माइनस ए 21, फिर 21 में से कितने चले गए, 13 चले गए, फिर 21 में से कितने चले गए, 14 चले गए, फिर 21 में से कितने चले गए, 15 चले गए। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन में जो है वो फिर से आंसर में कोई ना कोई मिस्टेक जो है वो दी गई है, या फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पर त्रिभुज नहीं बताई गई है। त्रिभुज आपको इस क्वेश्चन में नहीं बताई गई है, क्योंकि जब भी कोई अननोन त्रिभुज होती, तो एक बार मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ, 1/2 गुणा आधार बेस, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, 84, 13, 84 जो है वो 13 से नहीं जाता है, 84 कैसे आएगा, यहाँ पर अगर मैं 15 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर मैं नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ आंसर में जो है वो आपके पास मिस्टेक है, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास ऑड मल्टीपल ट्राइंगल है, विषम बाहु त्रिभुज हम जिसको बोलते हैं, उसके क्षेत्रफल के लिए यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 21। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद आंसर हमारे पास निकल के आ जाए। स्क्वेयर अंडर रूट की वैल्यू हो सकती है 21 गुणा, सॉरी 21 में से आपके कितने चले गए, 13 चले गए, तो बचे कितने, 8, फिर 14 चले गए आपके, तो बचे कितने, 7, और 15 चले गए तो बचे कितने, 6। अब सबको आप मल्टीप्लाई करिए, 21 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, ये आपके पास कितना बनेगा, अंडर रूट 7056। हो सकता है कि ये 84 का क्या हो, स्क्वायर हो, हाँ ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे, 84 × 84 जो है, बिल्कुल बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है, 84 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर आपके पास रहेगा। ये आपका अंडर रूट 7056, इसका जो रूट होता है वो आपके पास कितना होता है, 84 होता है, तो यही आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपको बोला गया था, 86 किलोमीटर पर आवर 4 से कोई गाड़ी 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला आपको बोला था, दूरी बतानी है, डिस्टेंस आपको बताना है, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 86 है और टाइम कितना है, 3 है, तो 258 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको बोला था 10, 13, 5 और x, टोटल संख्याएं कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी कि 10, 13, 5 और x, इनका औसत कितना बताया गया, 8। अब औसत का ये मैंने फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ ऑल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो 10, 13 और 5 कितने होते हैं हमारे पास, 10 + 13 कितने, 23, 23 और 5 कितने, 28, तो ये बनेगा कितना, 28 + x/4, 4 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो 8 × 4 करेंगे कितना आएगा, 32, 28 जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस में करने पे हमारे पास आंसर कितना आएगा, 32 में से 28 चले जाएंगे, तो राइट आंसर क्या आएगा, 4, यानी कि इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका आया था। अगला क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का है, आप इसको काउंट कर सकते हैं, 0.2 आपका राइट आंसर यहाँ पे रहना चाहिए, जल्दी से आप ट्राई करें और स्पीड में रखें, आधे मिनट में आपका पूरा एक क्वेश्चन मैथ का जो है वो सॉल्व होना चाहिए, तभी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आपको मिलेगा, बचेगा। ये आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका जो है वो यहाँ पे इसको कंपैरिजन जो है वो आप कर सकते हैं, किस तरीके का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये इन दोनों का रिलेशन है, ये इन दोनों का रिलेशन और ये इन दोनों का रिलेशन, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद
ये आपका डी से गए पी में, फिर ई से बाय में, तो सी से जाएंगे तो क्या जाएगा, आई हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर इसका रहेगा, 9i। जल्दी से चेक करें कौन सा पैटर्न आपका यहाँ पर फॉलो करवाया जा रहा है जिसकी हेल्प से इसका आंसर जो है वो 9i हमारे पास बनेगा। उसके बाद सॉरी, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन फिर से एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहना है, जल्दी से आप ट्राई कर लें। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन दिया गया था एक्स माइनस बाय जो है वो 7 है और एक्स इंटू बाय कितना है, 13 है। तो आपको एक्स की वैल्यू जो है वो आपको बतानी थी, तो एक्स और बाय को माइनस करके कितना आता है, 7 आता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, दो ऐसी कौन सी वैल्यू जिनको गुणा करके 30 आता है। तो आप देख सकते हैं 30 किससे बनता है, 10 गुणा 3 एक ये बन गया, 6 गुणा 5 एक ये बन जाता है, और कोई भी नहीं बनता। अब इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखिए 10 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 10। ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो ये जो है वो हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के डिस्कस किए, मैथ एंड रीजनिंग के। आई होप आपका आज का एग्जाम जो है वो काफी अच्छा गया है, आपका एग्जाम जो है वो काफी अच्छा गया है। और जल्दी ही एक नई क्लास के साथ मैं आपसे जल्दी ही जुड़ूंगा, जिसमें हम फिर से एक कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ करेंगे। तो बने रहें आप विजयपथ एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।